हे गाइस, वेलकम बैक अगेन न्यू अदर ब्लॉग्स। और आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होने वाला है, क्योंकि आज अष्टमी है और आज अष्टमी में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग सा आप लोगों को पंडाल दिखाने वाले हैं रांची का। और मेरे साथ सिद्धेश जाने वाले हैं, जो स्कूटी पे बैठे हुए हैं। इधर बहुत ठंडा है, फुल नाइट आउट हम लोग करने वाले हैं आज, इसीलिए फुल पूरा रेडी है एकदम, जैकेट वैकेट लगा के। सो ब्लॉग पे बने रहो और बताना कि मैं कैसा लग रहा हूँ और सिद्धेश कैसा लग रहा है, ब्लॉग पे तो आएगा ही। सो चलो मिलते हैं आगे। सो ये हटिया रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति है और अभी एंट्रेंस इसका इस तरह दिख रहे हो। यहाँ पे सबसे पहले आपको श्री विष्णु दास अवतार मिल जाता है। आगे चलिए, देखिए इधर कौन है, परशुराम अवतार यहाँ पे देख रहे हो। काफ़ी अच्छा थीम बनाया गया है, यहाँ पे बुद्ध भगवान का भी अवतार दिया गया है, वीरा भगवान का भी दिया गया अवतार। देख रहे हो कैसा है, एकदम मस्त, एकदम क्या ही बोले, नेक्स्ट लेवल बनाया गया है। सीधे सभी ब्लू ब्लू दिख रहा है। सो इधर देख लो कृष्णा वगैरह सब कुछ, राम अवतार है। और इधर से चलो दिखा, ये है हटिया रेलवे स्टेशन का दुर्गा पूजा समिति, जैसा कि गोल्डन, फुल्ली गोल्डन में बनाया। सो गाइस, फाइनली रांची रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और काफी अच्छा थीम बनाया गया है यहां पे। क्राउड तो इतना ज्यादा लेट हो रहा है, नाइट हो रहा है, उतना ही ज्यादा क्राउड हो रहा है यहां पे। सो बैक कैमरा ऑन करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि फ्रंट कैमरा से करना पॉसिबल नहीं है, जगह बहुत कम है और क्राउड काफी ज्यादा है। सो बैक कैमरा से देखिए, ये जो गाइस, ये जो पूरा थीम बना हुआ है, ये पूरा डीएनए के ऊपर बनाया गया है और ये रांची स्टेशन से जस्ट थोड़े से सामने में बनाया गया। पूरा आकृति जो है पूरा हाथ से बनाया गया और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जैसा कि आप लोग थीम देख सकते हो कि डीएनए लगा हुआ है, बेटियों को मारने वाला रक्त बीच राक्षस एक यहीं पे है जो मेरे सामने दिख रहा है। सो काफ़ी अच्छा है और क्राउड भी यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा है। लगभग टाइम 1 बजने को आ गया है और नाइट में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो रहा है। सो यहाँ पे देख रहे हो बेबी वगैरह सब घूम रहा है, इधर भी है। यही है वो राक्षस जिसको दर्शाया गया है, यही है वो काल चक्र जिसपे ताला लगा है और ये है माँ का घर, ऐसा बोला जा रहा है। इधर देख लो और इधर भी देखो, काफ़ी अच्छा सीन दिख रहा है, कोई भी सामान को छूना मना है और ये अंदर से काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आप लोग समझ सकते हो कि ये बेबी जो जब बच्चा पेट में रहता है तब ये ऐसा स्कैन में आता है। सो ये सब उसी चीज़ को दर्शाने के लिए ये सब किया गया है और काफ़ी अच्छा संदेश दिया गया है सबको कि बच्चा को मारे नहीं, बेटी को मारे नहीं और उसे बढ़ाएं, पढ़ाएं, लिखाएं, आगे बढ़ाएं, सबका बराबरी करने दें। क्राउड देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा हो गया और माँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। नाइट भी सीन का बात ही कुछ अलग है यहाँ पे, जैसे कि बहुत ही अच्छा व्यू है। इधर हम लोग को इधर एंटर करना है, चलिए अंदर देखते हैं कैसा व्यू है यहाँ का। सो दोस्तों,
ये भी रांची का टॉप 10 पंडाल में से एक जगह है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो चलिए आप लोगों को ये भी दिखाते हैं अभी बैक से। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है यार देखने में ही, एकदम मस्त, एकदम आर्टिस्ट कलाकारी जो गिरी किया गया बहुत ही मस्त है। जैसा कि उस पंडाल से निकलने के बाद हम लोग जस्ट दूसरे पंडाल पे आ चुके हैं और आपको ये देखकर सही है। सो पंडाल आपको दिखाते हैं, देखिए जस्ट मेरे पीछे, सो इसको बैक कैमरा से दिखा रहे हैं, काफ़ी अच्छा। सो मेन व्यू इसका कुछ ऐसा है, ये चील का कुछ लुक दिया गया है और पंडाल के अंदर सीलिंग पे देख रहे हो पूरा फ्लावर का काम किया गया है। उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल एक चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो है मेरी माँ। ये देखो काफ़ी ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सुंदर लग रहा है ये जगह चारों तरफ से। ये पूरा देख रहे हो आप लोग व्यू यहाँ का, क्या सीरियस कुछ बोलना चाहेंगे? बाद में कहीं पर बैठ जाएंगे। सो नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे हम लोग पहुँच चुके हैं, यहाँ का भी पंडाल बहुत ही ज़्यादा, दिखाते हैं। सो ये देखो थोड़ा सा ड्रैगन लुक में ये इसको रेडी किया गया है, ये भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और नीचे में हॉर्स है। सो अंदर में देखते हैं कैसा आपको दिखता है और बताना अभी। यार कौन से दुनिया में आ गया यार मैं, तो क्या लगता है माँ का प्रतिमा काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, देख रहे हो इस पर। नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और जस्ट मेरे पीछे ही पंडाल बना हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। सो बाहर से तो पूरा सुनने की बात है, क्या दिख रही है और इसको फ्रंट से दिखाते हैं। ये इसका बैक है, देखने के लिए एंटर करते हैं और आपको दिखाते हैं। सो ब्लॉग पे बने रहो, इतना सारा पंडाल देखिए। चलो यहाँ से एंट्रेंस है इस जगह का और देखो अभी व्यू और बताओ एंटर करना है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ब्यूटीफुल प्लेस है जो आपको दिखाते हैं। जैसा कि मेरे बैक कैमरे में आप पीछे देख ही रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी क्राउड हो रहा है धीरे धीरे, जितना नाइट हो रहा है उतना ज़्यादा क्राउड हो रहा है। अभी 3 बज चुका है पूरा पूरी और इतना ज़्यादा क्राउड हो चुका है कि क्या ही बोले, लग ही नहीं रहा कि मेला, मतलब हम लोग यहाँ पर रहते तो सब ख़त्म हो जाता है, लेकिन अभी यहाँ पर लग रहा है कि अभी जस्ट स्टार्ट ही हो रहा है सब कुछ पीछे देखा। सो पंडाल और व्यू समझ ही रहे हो कि कितना A1+ है, 1+ नहीं मतलब A1 है। और बाकी तो इधर देख ही रहे हो कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है यहाँ पे प्लेस और पंडाल का बात ही अलग है, नेक्स्ट लेवल है यार, मतलब सही है। अंदर चलिए लेके चलते हैं, दुर्गा माँ के दर्शन करवाते हैं आपको यहाँ पे। जस्ट ये पंडाल का एंट्रेंस है और लाइट की वजह से पूरा कलर चेंज हो रहा है, ये पूरा लग तो रहा है कि ताल का पत्ता का पूरा बनाया गया है एकदम पूरा। ऊपर का आर्ट जो है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और टोटल
ताड़ का पत्ता से बनाया गया है, जिसको हम लोग ताल बोलते हैं। उस पत्ते से ये पूरा कारीगरी किया गया है। प्रतिमा भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे। ओरिजिनल में तो और भी ज़्यादा खूबसूरत है, जैसा कि वीडियो में नहीं आ पा रहा है, पर ट्राई कर रहे हैं कि आ जाए। दिखाते हैं आपको ये भी। जस्ट देखो, ये फुल्ली बैम्बो बैम्बो बैम्बो, खाली बैम्बो का बनाया गया है। और अभी हम लोग एंटर करने वाले हैं। और माँ का क्या कर रहे हैं आप? और ये देखो फर्स्ट इम्प्रेशन माँ का। देखो हम लोग रांची की फेमस मतलब नंबर वन पंडाल वहाँ पहुँच चुके हैं, और आप कुछ ही देर में अभी दिखाने वाले हैं। सो ये देख लो, उसके बाद बताना कि यहाँ पे कैसा क्या होता है, और बताना जरूर कि आप कौन सा ज़्यादा पंडाल पसंद करते हैं। सभी एंट्रेंस लेने वाले हैं हम लोग कुछ देर बाद। ये रहा है एंट्रेंस, और यही है रांची का नंबर वन पंडाल। देख रहे हो कितना बड़ा है, और इसको महाभारत के युद्ध थीम पे शायद बनाया गया है। वही है ना, मतलब वो हाँ। जो चक्र में चक्र नहीं, ये अभिमन्यु चक्र में जो फंस जाता है महाभारत के, वही वाला ये सीन दिखाया गया है। देखो काफ़ी ब्यूटीफुल है ये, और अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रहा है यहाँ। क्राउड का तो बोलना ही नहीं है। डेस्टिनेशन कुछ ऐसा है, और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ का जस्ट है। और यहाँ भी काफ़ी अच्छा खासा बनाया गया है, जैसे कि देख सकते हो कि काजू से ये सब कुछ किया गया है, और ये लगता है कि कुछ अलग ही लेवल का। वहाँ पे देख रहे हो वो काजू से लिखा हुआ है, वो काजू से कुछ किया हुआ है, राजस्थान मित्र मंडल। सो बारीकी काम है, जैसा कि देख सकते हो पिकअप वगैरह काजू का पूरा फुल्ली लगता है। ये देखो छूक एकदम मस्त, एकदम काजू का वर्क है। सो अंदर आपको दिखाते हैं, मंदिर के पास पहुंच गए हैं। टोटली वर्क काजू की कवर और काजू से किया गया है, बहुत ही अच्छा यहाँ का डिज़ाइन बनाया गया है। तो इसको तोड़ तोड़ कर खा भी रहे हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब गलत चीज़ें। दिखाते हैं आपको इसका सीलिंग, देख लो लग्जरी लुक में दिया गया है, एकदम सुंदर लग्जरी लुक दिया है।
कैसा लगा पंडाल? चलिए और दिखाते हैं आपको इन लोगों को। तो दोस्तों अभी फिर से अभी न्यू डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और अभी देखो आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू। सो डेस्टिनेशन पे पहुंच के देखो अभी कैसा व्यू आ रहा है यहाँ का, एकदम मार करने वाला दिखेगा। देखो फर्स्ट टाइम विजिट किया है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आउटस्टैंडिंग, मेरे सोच से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल निकला ये प्लेस। मैंने जो सोचा था उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस निकला और माँ का प्रतिमा तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है जैसा कि आप देख रहे हो। चलो सामने से दिखाते हैं आपको। सो सुबह के 5 बजने वाले हैं और ये हमारा आखिरी डेस्टिनेशन है। बहुत ज़्यादा थक पहले ही निकले थे और पॉसिबल नहीं कर पाए कि सारा कवर करने का, फिर भी नेक्स्ट डे पे ट्राई करेंगे। सो अभी दिखाते हैं आपको इसका भी, ऐसा है इस जगह का लास्ट डेस्टिनेशन हमारा। सो चलिए अंदर दिखाते हैं कैसा सीन है यहाँ का। और हर एक पीठ का केदारनाथ, उत्तराखंड, ये सब जितना जितना ये है, मतलब शक्तिपिंड है, कुंज है, वो सारा एक छोटा मंदिर में बांटा गया। सो एक राउंड तो आप लोगों को जरूर दिखाएंगे और माँ का दर्शन जरूर करवाएंगे। दसवीं या फिर नवमी का भी सीन रहेगा, वो भी आपको दिखाएंगे।